दो सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार से हुए समझौते की पालना नहीं होने के विरोध में क्षेत्र के पटवारियों ने अतिरिक्त हलकों के बस्ते सोमवार को तहसील कार्यालय में जमा करवा दिए। पटवारियों द्वारा अतिरिक्त हलकों का काम नहीं करने से ग्रामीणों के राजस्व संबंधी काम अटक सकते हैं। क्षेत्र में 14 पटवार मंडलों का अतिरिक्त कार्यभार अन्य पटवारियों के पास था। ऐसे में इन हलकों में कार्य बहिष्कार से राजस्व विभाग के सारे काम ठप हो गए। पटवारियों की माने तो दो सूत्र विभागों में लेकर जून माह में सरकार से समझौता वार्ता हुई। सरकार ने मांगों को जल्द पूर्ण करने का भरोसा दिया। पटवारियों का आरोप है कि 6 माह बाद भी सरकार ने पटवारियों की मांगों पर ध्यान नहीं दिया। इसके अतिरिक्त में क्षेत्र के सभी पटवारी कार्यालयों में पहुंचे और सामूहिक रूप से अपने पास मौजूदा अतिरिक्त हलकों का कार्य बहिष्कार कर बस्ते तहसील कार्यालय में जमा करवा दिए। क्षेत्र में नहारिया, कोटड़ी, बोरीना, किशनपुरा, बपावर, उमरदा, विनोद, खुर्द, मकड़ावत, मंडिता, तिकोर, तिल्लीपुरा, खड़िया, लटुरी व लबानिया में बीते कई सालों से पटवारियों के पद रिक्त हैं। इन हलकों का काम अन्य हलकों के पटवारी देख रहे थे, लेकिन अब इन अतिरिक्त हलकों का काम नहीं करने के पटवारियों के निर्णय से ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। वहीं राजस्व विभाग के काम ठप होने की आशंका है। 18 को राजस्थान पटवार संघ के आह्वान पर सांगो तहसील के पटवार 14 पटवार अतिरिक्त पटवार मंडलों के बस्ते तहसील कार्यालय में जमा कराए गए। पटवार संघ की प्रमुख मांगे हैं, एक तो स्नात ग्रेड पे 3600 की जाए या L10 में वेतन निर्धारण किया जाए 7 वेतनमान में, और दूसरी मांगे ACB योजना के स्थान पर चयनित वेतनमान 9/27 की नियम को लागू किया जाए।